हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों के लिए एक नया सा रेसिपी। जैसे देख सकते हैं आपके, मेरा पैन रेडी है और इसमें मैंने जीरा और जिंजर गार्लिक के साथ टोस्ट किया है और मैंने प्याज को भी इसमें ऐड किया है, कैप्सिकम भी ऐड कर दिया है। कैप्सिकम के साथ हल्का टोस्ट करेंगे ताकि हल्का सौते हो जाए। सौते होने के बाद जैसे कि देख रहे, गोहन पोक सॉसेस हमने ऐड किया है अभी इसमें, और ऐड करने के बाद थोड़ा इसको सौते करेंगे। जैसे कि लग रहा है आप सब लोगों के लिए अच्छे सा और एक नया रेसिपी मैंने ट्राई किया है, गोहन पोक सॉसेस। अगर आपके पास गोहन पोक सॉसेस नहीं है तो आप नॉर्मल चिकन सॉसेस या पोक सॉसेस यूज़ कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पे, या फिर लंच के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने क्यूमिन और कश्मीरी चिल्ली, सॉल्ट सारे ऐड कर दिए हैं मैंने, थोड़ा क्यूमिन पाउडर भी ऐड किया है। तो आप घर पे आराम से पार्टी फंक्शन या किसी भी शुभ कार्य पे अपना यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जैसे कि देखिए, टमाटो, स्प्रिंग ओनियन, कोरिएंडर मैंने ऐड किया है, साथ ही ग्रीन चिली भी ऐड किया है। ऐड करने के बाद थोड़ा इसको टोस्ट करेंगे। टोस्ट करने के बाद इसको थोड़ी सी हम और टोस्ट करेंगे। टोस्ट करने के बाद थोड़ा पकाने के लिए हल्का सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं, हमने पानी ऐड कर दिया है, तो थोड़ा और पकाएंगे इसको। दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा बटर ऐड किया है मैंने, बटर इसलिए ऐड किया है कि ताकि हमारा जो पाव बन है उसको हम इसमें अच्छे से सेक सकें, और ताकि मॉइस्चर आए इसके अंदर और इसका फ्लेवर भी पाव में आए। और ये मैंने प्लेटिंग के लिए पहले से रेडी करके रखा हुआ है, तो देख सकते हैं हमारा प्लेटिंग रेडी हो रहा है। और आसान सा रेसिपी है, घर पे आप आराम से बना सकते हैं इंडियन स्टाइल में, और इसको इसका आनंद लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों के साथ। जैसे कि देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी प्लेटिंग रेडी हो चुका है, तो आप घर पे बैठ के एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।